गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन में दो स्टेप होते हैं। इसमें फर्स्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेकेंड है इंटरनल रेस्पिरेशन। आपको बताया गया होगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन के अंतर्गत सांस लेना तथा गैसियस एक्सचेंज आता है, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। तो इसमें दो पार्ट है, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग में सांस लेना की प्रक्रिया को आप थोड़ा बहुत समझते भी हैं और थोड़ा बहुत अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन, इसमें दो पार्ट है, गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। आप जानते हैं C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 6H2O एंड आपको बताया गया था एनर्जी। ये क्रिया सेल के अंदर होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ब्रीदिंग आप समझते ही हैं, गैसियस एक्सचेंज का एक पार्ट समझना है आपको कि गैसियस एक्सचेंज क्या है। गैसियस एक्सचेंज मीन गैसीय विनिमय, हिंदी होता है गैसीय विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। जो हम इंस्पायरेशन में हवा को अंदर ग्रहण करते हैं, इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, उसमें ऑक्सीजन 21% होती है और CO2 0.03% होती है। फिर हमारे सेल्स में ये सेलुलर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है जिसमें CO2 बनती है और ऑक्सीजन यूज किया जाता है। वहाँ सेल से, टिश्यूज से, जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड आता है, लंग्स के एल्वियोलाई में, उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है, वो CO2 लंग्स के एल्वियोलाई में चली जाती है और फिर नाक से बाहर निकाल दी जाती है। और जो हम लोगों ने एल्वियोलाई में ऑक्सीजन को इनटेक किया था, इसमें O2 अधिक है, ये डिफ्यूजन क्रिया द्वारा ये चली जाती है ब्लड वेसल्स में। इस क्रिया को गैसीय विनिमय कहते हैं। गैसीय विनिमय फेफड़े में होता है और फिर उत्तकों में भी होता है। उत्तकों में जब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज में ब्लड पहुंचेगा, प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वहां पे फिर गैसीय एक्सचेंज होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अधिक है और सेल में ऑक्सीजन कम है। टिश्यूज में या सेल में ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, और सेल या टिश्यूज में सेलुलर रेस्पिरेशन के कारण CO2 अधिक है तो वहाँ से CO2 ब्लड में चली जाएगी। इस क्रिया को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। इस प्रकार हम अब ब्रीदिंग की फेनोमेना को आपके सिलेबस में, 10th के सिलेबस में ब्रीदिंग है, इसके बाद की प्रोसेस भी इसमें नहीं है। ब्रीदिंग को डिटेल पढ़ेंगे, ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? सांस लेने की क्रिया में हम बार बार फेफड़े में हवा भरते हैं और छोड़ते हैं, इसी क्रिया को सांस लेना या श्वासोच्छवास या ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में भी
दो स्टेप होते हैं, दैट फर्स्ट इज इंस्पायरेशन, और इनहेलेशन हिंदी होगा निश्वसन, निश्वसन और इसका होगा एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन निश्वसन। फेफड़ों में हवा भरने की क्रिया को हम इंस्पायरेशन कहते हैं, जब हम हवा को अंदर खींचते हैं उसे कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन निश्वसन, और जब हम फेफड़े से हवा को बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन निश्वसन। इसके और भी हिंदियाँ हैं, वो बुक से आप देख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार फेफड़े में बार बार हवा भरने तथा हवा निकालने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में दो स्टेप हैं, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, और एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे।